कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। गुर्दों के मरीज अपना डायलिसिस अब कहीं भी किसी भी वक्त खुद कर सकते हैं। जी हाँ, होमो डायलिसिस के लिए अस्पताल का रुख करने की हरगिज जरूरत नहीं, डायलिसिस घर, दफ्तर या किसी भी जगह किया जा सकता है। देखते हैं जाहिद चौधरी की रिपोर्ट। अटकेलियां करती ये नूरुल कमर दिल और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला है। बाहिम्मत नन्ही नूरुल कमर अपना डायलिसिस खुद करती है, लेकिन जदीद तकनीक के जरिए। ये आसान है हीमोडायलिसिस से। उसमें मेरी तबीयत बार बार ख़राब हो जाती थी और इसमें नहीं होती। उसमें मुझे 4 घंटे एक जगह लेटना पड़ता था, जिससे मेरी बैक और कमर में दर्द होती थी, और ये 20-25 मिनट में पूरा हो जाता है। नूरुल कमर को पेरिटोनियल डायलिसिस की सहूलत शेख एजाज ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर जिना अस्पताल फ्राहम कर रहा है। नूर का कहना है कि होमो डायलिसिस के लिए अस्पताल आना और 4 घंटे बिस्तर पर लेटे रहना इसे कतई पसंद नहीं। पेरिटोनियल डायलिसिस वो कहीं भी किसी भी वक्त बआसानी कर सकती है। मदरसे जाती हूँ, 4 घंटे पेट में पानी डाल के तो वापस आके निकाल के फिर नया वाला डाल लेती हूँ। जिना अस्पताल के शोबा इन्फ्रालोजी के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर शफीक चीमा कहते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस में पेट के अंदर फ्लूइड दाखिल किया जाता है, जो 4 घंटे बाद तब्दील कर दिया जाता है। यही फ्लूइड गुर्दों की जगह खून से फासिद मादों को खारिज कर देता है। ये भी उसी तरह से कॉन्टिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस है कि इसमें बेसिकली आप करते ही हैं कि फ्लूइड एब्डोमेन में डालते हैं और उसको 4 घंटे बाद निकाल देते हैं, और बॉडी खुद ही एक पेरिटोनियल कैविटी एज ए फिल्टर के तौर पे काम करके तो आपके वेस्ट प्रोडक्ट जो फ्लूड ड्रेन होता है उसमें निकल जाते हैं। तो इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है, इन्फेक्शन का चांस इसमें कम है। डायलिसिस मशीन में ये रिस्क होता है अगर सही तरह से सुपरवाइज ना हो कि हेपेटाइटिस सी बी और इन्फेक्शन हो, इसमें हो ही नहीं सकता, खुद ही आप कर रहे हैं, किसी और पेशेंट का कोई ब्लड एक्सपोजर है ही नहीं। प्रोफेसर डॉक्टर शफीक चीमा कहते हैं कि दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक में अब मशीनों पर डायलिसिस की बजाय पेरिटोनियल डायलिसिस को तरजीह दी जा रही है। उनका कहना है कि अगर इस जदीद तकनीक को फरोग दिया जाए तो सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस के मुंतजर सैकड़ों मरीजों को फौरी इलाज की सहूलत मिल सकती है। ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है अगर गवर्नमेंट इसको सुपरवाइज करे, क्योंकि करंटली इसका जो फ्लूड है वो हम इंपोर्ट करते हैं जर्मनी से, फिर सीनियस कंपनी करती है। अगर ये फ्लूड हम लोकल लेवल पे बनाएं तो इसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो सकती है, फिर ये डायलिसिस मशीनों पे सेंटर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। तो बहुत सारे पेशेंट जो वेटिंग लिस्ट में हैं वो ये खुद कर सकते हैं, इसमें ह्यूमन रिसोर्स का तो इशू ही नहीं रहेगा। किसी मशीनरी की मदद के बगैर सिर्फ फ्लूइड तब्दीली से डायलिसिस की जदीद तकनीक रिवायती होमो डायलिसिस के मुकाबले में सस्ती भी है। कैमरामैन राणा अजहर के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42।